हेलो। हेलो। हाँ सर जी, बोलिए। अरे अरे कन्हैया, मैं तेरे से इज्जत से पेश आ रहा हूँ। 2-3 दिन से तेरे को आप बोल के बात कर रहा हूँ, तो तू सर पे चढ़ रहा है क्या? आपका भी फोन किया मेरे को। तेरे को उस दिन फोन किया हो, तेरे को मेरे ऑफिस से फोन गया। परसों तूने बोला कि हाँ मैं करता हूँ, कौन गाय करे उनको भेजा, उनको बोला करता हूँ। तुझे क्या लगता है, तो इसको उसको बीच में डालने से क्या होने वाला है? नहीं, अपने को उसमें करना ही नहीं है। संदेश रहेगा ना हाँ, तो कैसे, वो सब लिखता है ना। संदेश ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसको कि तूने दिया था? कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो लेकिन दिया जो था, तो अब भी तू सामने आ, पहले जो हिसाब है ना वो पहले क्लियर कर। मैं तेरे को हर बार प्यार से बोल रहा, तो इसका मतलब तो चूतिया मत समझ हम लोग को, अरे ऐसी ठीक है? बात नहीं है जो आप बोल रहे हैं। नहीं तो फिर तेरे को वही बोल रहा हूँ, तू 2 दिन से जो घुमा रहा ना मेरे ऑफिस वालों को, तो घुमा रहा बनकर तू पहले आज के आज आके उसका पैसा पहले क्लियर कर, नहीं तो फिर से साइड में चालू होने दूंगा, इतना याद रखना। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको। चलो आज ही मिलने का, आज ही क्लियर करने का, जो भी हाँ मैं हो। मिलता हूँ आपको। कणसोली मध्ये पोलीस प्रशासन आणि कानून यांचा कोणालाही भीती राहिली नाहीये। सरळ सरळ दिवसाढवळा आपसावादातून धमकी देणं, कॉन्ट्रॅक्टदार पोलीस स्टेशनला आणि कोर्टात न जाता फायनान्शियल मॅटर कोर्टात सॉल्व होतो, पण हे इथे गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांचा वापर करत आहे। हे गुंड प्रवृत्तीची व्यक्ती कोण आहेत याचा तपास लागेल। या पत्रात परिषदेस कन्हैया सिंग यांनी सांगितले की यांच्या जीवास धोका आहे, यांचा खून येऊ शकतो। या ठिकाणी गुंड प्रवृत्तीचे व्यक्ती एवढे भरलेले आहेत, यांच्या पाठी कोणाचा हात आहे, राजकीय की अधिकारी, याची चौकशी कमिशनर साहेब आपण कराल का, व लवकरच न्याय भेटेल अशी अपेक्षा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।